हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इश्क मुश्किल ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शामिर दाऊद अली खान के पास जाते हैं और दाऊद अली खान से कहते हैं कि बाबा आप मेरा रिश्ता लेकर सुलेमान साहब के घर जाएं। जिस पर दाऊद अली खान पहले तो शामिर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शामिर के फोर्स करने पर वो शामिर की बात पर राजी हो जाते हैं और शामिर से कहते हैं, ठीक है शामिर मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मेरे वहां जाने के बाद भी सुलेमान तुम्हें रिश्ता नहीं देगा। जिस पर शामिर दाऊद अली खान से कहते हैं कि बाबा आप एक बार वहां जाकर तो देखें। जिस पर दाऊद अली खान शामिर से कहते हैं, तो ठीक है शामिर अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता हूं मैं, आज शाम को ही सुलेमान अहमद के घर चलते हैं। जिस पर शामिर बहुत खुश हो जाते हैं और दाऊद अली खान से कहते हैं, क्या वाकई बाबा? जिस पर दाऊद अली खान अपना सर हां में हिलाते हैं। फिर शामिर के वहां से जाने के बाद दाऊद अली खान सुलेमान साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सुलेमान आज मैं शामिर को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत बहुत अजीज है, इसीलिए पहले ही तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। मैं ये सब सिर्फ अपने बेटे की वजह से कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर देना, वरना तुम खुद समझदार हो। इस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि दाऊद अली खान, ना मुझे और ना मेरी बेटी को इस रिश्ते की जरूरत है, तुम्हारा बेटा ही मेरी बेटी को इस रिश्ते के लिए जोर दे रहा है और मैं और मेरी बेटी ऐसी जगह हरगिज जाना पसंद नहीं करेंगे जहां हराम की कमाई हो। सुलेमान साहब की ये सब बातें सुनकर दाऊद अली खान उनका फोन काट देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को मजीद आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैरत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।